ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊना के 26 साल की एक लड़की ने मौत के बाद भी 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। दरअसल घर के पास ही 26 साल की नीति और उसकी मां की मृत्यु एक दुर्घटना में 18 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद उसके परिवार वालों के डॉक्टर के सलाह के बाद उसके अंग दान कर दिए थे। पीजीआई चंडीगढ़ ने इन अंगों से 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। नीति के परिवार वालों ने इसके पीछे दिवंगत नीति के अंगदान की सोच को प्रेरणा बताया है। जिला ऊना के घंडावल गांव में पेश आए दर्दनाक हादसे में जहां मां बेटी की मौत हो गई, लेकिन बेटी नीति मरकर भी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। नीति की मौत के बाद उसके शरीर के बहुमूल्य अंग कई लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। नीति ने ऊना कॉलेज से स्नातक तक पढ़ाई की थी। नीति भले ही पुलिस अधिकारी बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मौत के बाद जो उसके जीवन का इतिहास लिखा गया वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कहा नीति के माता पिता ने उसकी शादी के सपने संजोए थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क हादसे ने इस परिवार की सारी खुशियां छीन ली। एक तरफ माँ की जान गई तो दूसरी तरफ बेटी वेंटिलेटर पर मौत के आगोश में चली गई। बेटी के पिता को जब चिकित्सकों ने उसकी बेटी की मौत की खबर सुनाई तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पीजीआई के चिकित्सकों ने जब उनको बेटी के अंग दान करने के बारे में बात की तो उनके पिता एक पल के लिए तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटी ने अपनी मौत से 3 दिन पहले परिवार को मरने के बाद शरीर के अंगदान करने की सलाह जरूर दी थी, क्योंकि ये शरीर किसी के काम आ सके और लोगों को जिंदगी मिल सके। उनकी माने तो मरने के बाद भी हमारे सभी अंगों को खाक में ही मिलना है, तो कितना अच्छा होगा कि मरने के बाद ये अंग किसी को जीवन दान दे सके। नीति ने 5 लोगों को नई जिंदगी दी है और उसकी वजह से आज 5 लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और इन 5 लोगों में भी नीति मरकर भी जिंदा है। उसकी थी कुछ उसके ऐसी बातें करती रहती थी वो कि ये अंग दान करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। 2-3 दिन पहले भी उसने ऐसी आंखों के बारे में घर में बात कर रही थी वो। तो जब पीजीआई से डॉक्टर की कॉल आई तो हमने थोड़ा सोचा, फिर हमने ये सोचा कि वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, अगर उसकी जगह किसी और की जिंदगी चलती है तो हमें उसमें कोई नहीं, इसलिए हमने हम साथ बैठ के बात करते रहते थे कि कुछ करना है, किसी के लिए कुछ करना है, अपने आई डोनेट करनी है। ये हमने रिसेंट बात की थी कि आई डोनेट करनी है, वो भी सबको फैमिली में बोलती थी कि सबको अपनी आई डोनेट करके जानी चाहिए। कॉलेज में भी जैसे वो ब्लड डोनेट करती रहती थी कैंप्स में, और वैसे भी वॉलंटियर्स के रूप में काम करती रहती थी थी कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। और भी जैसे कोई भी उसको कुछ भी काम बोलता था तो आगे होके कर देती थी सबके काम। तो आपने ये समझा था कि उसकी भावना के मद्देनजर तक तो ये एक डिसीजन लिया? हाँ जी। वही नीति की बहन की माने तो उसकी बहन काफी होनहार थी और हर काम आगे बढ़कर करना चाहती थी। उसका सपना पुलिस अधिकारी बनकर देश व समाज सेवा करना था। नीति ने पुलिस में भर्ती होने के लिए 2 बार प्रयास भी किए थे, लेकिन उसकी किस्मत तो शायद भगवान ने कुछ और ही लिखा था। गंडावल की नीति बेशक अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका जिगर और आंखें जिंदा रहेंगी। एक तरह से नीति मौत के बाद भी जिंदा है। नीति के परिजनों ने जो मिसाल पेश की है इसका जिक्र हर जुबान पर हो रहा है। अब परिवार के लोग यही चाहते हैं कि वे उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्हें नीति के अंग डाले गए हैं, क्योंकि उन्हें उन लोगों में अपनी नीति दिखती है। नीति की मंगनी करीब करीब पक्की थी और आखिरी समय में उसे लाल जोड़े में नीति को अंतिम विदाई दी गई। देखो जो हुआ है ना, ये तो दुखदाई है, ठीक है। मतलब आफ्टर डेथ भी मतलब हम सब परिवार ने ऐसा डिसीजन लिया कि उसकी कुछ इच्छाएं पहले से ही थी कि ऐसा हो जाना चाहिए। अगर किसी और के भी साथ होता है, अगर उसके कोई पार्ट किसी के काम आ जाए तो वो जिंदगी जी सकते हैं, एक राख बन जाएगा जे पुतला, ठीक है जी। तो जैसे ही हमें फ़ोन आया, हमने फिर सब ने मिल के यही डिसीजन लिया कि चलो इसकी इच्छा भी थी, अगर इसके बॉडी पार्ट किसी को काम दे जाएं तो मतलब हम सहमत थे, ठीक है जी। तो फिर हमें ऐसे पता लगा कि उसने 6 लोगों को अपने पार्ट्स उन्होंने पीजीआई वालों ने उनके
मतलब निकाल के किसी औरों को जिंदगियां दी, जैसे कि अखबार में आया, ठीक है जी। अब हम उन लोगों का वो मतलब मिलना चाहते हैं, जब वो अपने आप मतलब हमारा एड्रेस वगैरह पता करे, अगर वो ठीक है तो हमें भी थोड़ा बताएं कि हम आपकी बेटी की वजह से हमें भी जीवन दान मिला है।